नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए जो है वो वर्तमान समय में लाखों पतियों के लिए काफी बड़ा अभिशाप बन चुका है। बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर इस धारा का गलत इस्तेमाल कर दे रही है, जिससे पति और पति के घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन देखिये, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया है तो आपको उससे कई वर्षों तक झेलना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई ऐसी वजह है जिससे उस मामले को आप रद्द करा सके, तो ऐसे में आप उस मामले को हाईकोर्ट से रद्द करा सकते हैं। तो आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं, जिस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने एक ही जजमेंट में तीन ऐसे महत्वपूर्ण आधार बता दिए हैं, तीन ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिससे कि 498A का मामला आसानी से क्वेश हो सकता है। यदि आपके भी मामले में इनमें से तीन में से कोई भी एक आधार हो या एक से अधिक आधार हो, तो आप भी इस जजमेंट को रूलिंग के तौर लगा के अपने मामले को क्वेश करा पाएंगे। पहली चीज तो ये कि जो पत्नी आरोप लगाई है वो बेतुके आरोप लगाई है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे में मामला क्वेश हो सकता है। दूसरा ये कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जो भी बातें कही हैं, उसमें उसने कहीं घटना का समय या फिर तिथि जो है, दिन है, उसका जिक्र नहीं किया है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि पत्नी ने अगर देरी से FIR दर्ज कराया है, घटना पुरानी 6 महीने, 1 साल, 2 साल पुरानी दिखाई है, तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार है। इसके आधार पर भी आप अपने मामले को रद्द करा पाएंगे। तो इन तीनों वजहों में से अगर कोई आपके मामले में एक वजह है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके अपने ऊपर लगे मामले को आसानी से रद्द करा पाएंगे। तो आइए इस जजमेंट को डिटेल में समझते हैं। जजमेंट के बारे में डिटेल में समझने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि 498A की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे बचाव करना है, कैसे उसे रद्द कराना है, 125 CRPC के केस को कैसे खारिज कराना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, कैसे अंतरिम भरण पोषण देने से बच सकते हैं, कैसे उसकी प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, ये सारी चीजें समझने को मिल जाएगी। सेक्शन 9 कैसे जीतेंगे, सेक्शन 9 से क्या फायदे होंगे, किस प्रकार से सेक्शन 9 के आधार पे मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, डिवोर्स कैसे ले सकते हैं, डिवोर्स लेने का आसान तरीका कौन सा होता है, डिवोर्स की प्रक्रिया कैसे चलती है, किस प्रकार से बिना मेंटेनेंस दिए डिवोर्स ले पाएंगे। साथ ही साथ DV एक्ट के बारे में भी बताया गया है कि प्रक्रिया कैसे चलती है, DV एक्ट की रिप्लाई कैसे बनाना है, कैसे आपत्ति बना के अंतरिम भरण पोषण देने से बच पाएंगे। तो ये जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको इस किताब में डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप 498A, सेक्शन 9, डिवोर्स, 125 CRPC, इस प्रकार का कोई भी मुकदमा लड़ रही है, तो ये किताब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी डिटेल में और अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जिसे पढ़ के आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे और क्रॉस केस भी दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। तो क्रॉस केस दर्ज करा के आप सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर भी बना पाएंगे। तो यदि आप ये सब जानकारी जुटाना चाहते हैं, अपने केस में खुद ही लड़ना चाहते हैं, खुद ही हैंडल करना चाहते हैं, तो इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब किताब को साफ कितारे रखते हैं और अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, ये जो जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया हुआ जजमेंट है। तो ऐसे में पूरे भारत के किसी भी कोर्ट में ये रूलिंग के तौर पे आप इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। और देखिए, ये जो जजमेंट है वो अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट 498A के झूठे मामले को क्वेश कराने यानी रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। उस ग्रुप में आपको इस जजमेंट के अलावा बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट है उसकी कॉपी मिल जाएगी, जिसे लगा के आप फायदा ले पाएंगे। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं जिसे आप अपने केस में लगा के फायदा ले सके, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500
₹1,500 है जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई फी पे नहीं करनी है। ग्रुप में आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो देखिए, ये 498A को क्वेश्चन कराने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ एक लैंडमार्क और रूलिंग जजमेंट है। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि 2007 में शादी होती है, जो पत्नी होती है वो टीचर होती है और जो पति होते हैं वो फिल्मों में काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो पत्नी होती है अपने पति के साथ मुंबई ही चली जाती है, वहां पे दोनों कुछ दिन साथ रहते हैं, पत्नी से उसके घर वालों की बातचीत होती है। उसके बाद जो पत्नी होती है 2009 में अपने पति से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद पत्नी अलग रहती है, पति अलग रहती है, फिर पति मन बनाते हैं कि अब उन्हें डिवोर्स का केस कर देना चाहिए। 2013 में, यानी पत्नी 2009 में अलग होती है, पति मन बनाती है 2013 में कि अब मुझे डिवोर्स का केस करके डिवोर्स दे लेना चाहिए, मेरी पत्नी तो मेरे साथ रहने ही नहीं आ रही है। ये बात पत्नी को कहीं से पता लग जाती है और पत्नी तुरंत जाके थाने पे कंप्लेन करती है कि उसके पति और पति के घर वाले उसे परेशान करते थे, उसे दहेज मांगते थे, उसका देवर दहेज मांगता था। इस प्रकार के आरोप लगाने के बाद पति और पति के घर वालों के ऊपर एक 498A और डीपी एक्ट की धारा 3/4 में FIR दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। इसी दौरान पति और पति के घर वाले एंटी सेपरेटरी बेल भी ले लेते हैं। उसके बाद चार्जशीट लगने के बाद ये लोग मामले को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट में केस करती है। 482 CRPC के तहत हाईकोर्ट उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख ये लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी और पति का शादी 2007 में हुआ था, शादी के बाद पत्नी और पति दोनों मुंबई चले गए, वहीं रहने लगे, कभी कभी घर वालों से बात होती थी, तो यहाँ पे दहेज मांगने का कोई बात ही नहीं उत्पन्न होता है। वो लोग अलग रहते थे, हम अलग रहते हैं। एक देवर जो है वो खुद अब जुडिशियल ऑफिसर यानी जज बन चुके हैं और पत्नी ये आरोप लगा रही है कि वो अपने शादी में 2,00,000 रुपए दहेज मांगते थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, कोई अपनी शादी में अपनी भाभी से क्यों दहेज मांगेगा। तो ये आरोप देख के ही गलत लग रहा है। तीसरी बात, ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं बेतुके बिना साक्ष्य के आरोप लगाए हैं, प्रथम दृष्टया मामला ही उनसे नहीं बन रहा है। जो भी आरोप लगाए हैं बेबुनियाद, गलत, और उनका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सच वास्ता नहीं है। और उसके आगे ये कहा जाता है कि पत्नी जो है 2009 में अलग हो जाती है, 2013 तक वो कोई एक्शन नहीं लेती है। जब पति डिवोर्स का केस करने जाती है उस समय पत्नी को याद आता है कि मेरे साथ तो हिंसा हुई है, उत्पीड़न हुआ है, और तब जाके वो केस करती है। तो इतना दिन वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, कहाँ थी, इसका कुछ पता ही नहीं है, उसने इतना दिन क्यों केस नहीं किया। तो हमें फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए मामला दर्ज कराया गया है। अगली बात ये रखी जाती है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं कहीं उसने किसी दिन का या समय का बताया नहीं है कि कब उससे किस प्रकार से दहेज मांगा जाता था, किस दिन मांगा गया, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं सरासर गलत आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं। उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से ये क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन जो होता है, अपील जो होता है, उसे खारिज करने की मांग की जाती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है तो कोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने पहले तो ये मामला देरी से दर्ज कराया है, 2009 में अलग होती है, 2013 में वो केस दर्ज कराती है, वो भी तब जब पति डिवोर्स का केस करने जा रही होती है तब, तो यहाँ देरी से मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ जो भी आरोप उसने लगाए हैं बेतुके आरोप लगाए हैं। कोई भी आदमी जब जज बन जा रहा है तो ऐसे में वो अपनी शादी में 2,00,000 रुपए की दहेज की मांग वो अपनी भाभी से क्यों करेगा, वो भी ऐसी भाभी जो साथ ही नहीं रह रही है, जो मुंबई में रह रही है। तो यहाँ ये आरोप ऐसे ही बेतुका साबित हो रहा है। साथ ही साथ पत्नी ने कभी कोई घटना जो उसके साथ हुई है, दहेज मांगा गया है तो किस प्रकार से, किसने मांगा, कितना मांगा, कब मांगा, इसका कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो यहाँ पे जो भी आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पे प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है। जो भी आरोप लगाए गए हैं गलत आरोप लग रहे हैं, बेतुके आरोप है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई भी सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो मामला एकदम गलत साबित लग रहा है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये अपील जो होती है उसे एक्सेप्ट करता है, ये जो केस होता है पत्नी के द्वारा लगाया गया रहता है उसे रद्द करने का आदेश दे देता है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट निकल के आ रहा है। तो यदि आपके भी मामले में इनमें तीन में से कोई भी आधार है, जैसे पत्नी के पास कोई साक्ष्य ही नहीं है, बिना साक्ष्य के बेतुके इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, तो इस जजमेंट के आधार पर क्वेश करा सकते हैं। देरी से पत्नी ने मामला दर्ज कराया है तो इस जजमेंट के आधार पर मामले को क्वेश करा सकते हैं। साथ ही साथ
अगर पत्नी ने अपने एफआईआर में बयान में कोई समय या फिर तिथि का जिक्र नहीं किया है, दिन का जिक्र नहीं किया है, तो इस मामले के आधार पे, इस जजमेंट के आधार पे अपने मामले को आप वैस करा सकती हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपये है, जो वन टाइम है, दोबारा आपको कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप में आपको और भी बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पर बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।